Resistance, दो तरह से कनेक्टेड होते हैं इन 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 सीरीज सीरीज एंड में जो रजिस्टर्स हैं थ्री ये एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने जुड़े हुए हैं जैसे आर वन आर टू और आर थ्री एक दूसरे से लेफ्ट राइट कंडीशन में जुड़े हुए हैं रजिस्टेंस इन सीरीज वैन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज अरेंजमेंट सो ये आर वन है ये आर टू है और ये आर थ्री है अगर ये तीनों रजिस्टर्स एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं जैसे ए बी सी डी और ई एफ एंड जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने जुड़े हुए हैं तो ऐसे कनेक्शन को जिसके अंदर रजिस्टर्स एक दूसरे के आमने सामने जुड़े होते हैं उनको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं हेयर करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम यहाँ जो करंट पास हो रहा है जो इस सर्किट के अंदर करंट आई है वही सेम करंट आर वन के अंदर भी जा रहा है आर टू के अंदर भी जा रहा है और आर थ्री के अंदर भी जा रहा है दूसरी पार्ट ध्यान देने की है द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा रहा है रजिस्टर आर वन में वो है वी वन वी टू रजिस्टर आर टू के लिए और वी थ्री रजिस्टर आर थ्री के लिए तो इनका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वी वन वी टू वी थ्री का वो यहाँ पे वी रजिस्ट वी वोल्ट मीटर में दिख रहा है इसका अर्थ ये है वी इज इक्वल टू वी वन वोल्टेज प्लस वी टू वोल्टेज प्लस V3 थ्री वोल्टेज नेक्स्ट हम नेक्स्ट आपको ये कमेंट में लिख के भेजना है कि इस कनेक्शन में ए कनेक्शन में बी कनेक्शन में सी कनेक्शन में और डी कनेक्शन में कौन सा कनेक्शन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखाता है जल्दी से कमेंट्स में लिखिए नेक्स्ट है. है हम समझते हैं कि अगर सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर्स जुड़े होते हैं और इन तीन रजिस्टर्स आर वन आर टू और आर थ्री रजिस्टर को हमें हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगाना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन आता ही आता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन एंटायर सर्किट V इक्वल टू आई आर ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के और R कांस्टेंट होता है मीन्स V इक्वल टू आई आर अगर ओम्स लॉ के हिसाब से देखा जाए तो V1 का मतलब क्या होगा V1 वन ये वोल्टेज जो आएगी इस ए बी के क्रॉस तो R1 और I के बराबर होगी V2 टू आर टू और आई के बराबर होगी वी थ्री आर थ्री और आई के बराबर होगी तो इसको ध्यान में रखें ओम स्लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जान पा रहे हैं कि वी वन वोल्टेज जो है वो आई आर वन के बराबर है वी टू वोल्टेज जो है वो आई आर टू के बराबर है V3 वोल्टेज जो है वो आई आर थ्री के बराबर है और हमने ये पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि टोटल वोल्टेज जो होगा V का वो V1 V2 V3 के बराबर होगा V की जगह हम आई आर की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था फिर V2 की जगह आई आर वन V3 की जगह IR3 ये हम कंटिन्यूसली रख दे रहे हैं अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे IR है और इन सभी में I कॉमन है तो I को हमने बाहर निकाल लिया R1, R2, R3 हमको विद इन ब्रैकेट रख दिया अब I को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी I को हमने क्रॉस कर दिया क्योंकि दोनों तरफ एक बराबर है उसके बाद हम देखेंगे आर इजल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हमें एक वैल्यू मिल पा रही है क्योंकि ये आर जो है वो सीरीज कनेक्शन का निकाल रहे हैं इसलिए हमने आर एस इक्वल टू आर वन आर टू और आर थ्री लिखा हुआ है सो आर एस का मतलब है इक्विवेलेंट रजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन सो इन तीनों रजिस्टर्स आर वन आर टू आर थ्री को अगर हम निकाल दें और यहाँ पे एक ही रजिस्टर लगा दें आर तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री के बराबर होगी नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव एन इलेक्ट्रिक सर्किट है फोर रजिस्टर्स आर वन आर टू आर थ्री आर फोर रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ पोटेंशियल डिफरेंस सिक्स वोल्ट सो एक ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है इसके अंदर चार रजिस्टर्स है आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर इनके वैल्यूज दी हुई हैं फोर ओम जीरो पॉइंट फाइव ओम सिक्स पॉइंट फाइव ओम थ्री पॉइंट फाइव ओम और ये बैटरी है ये की है और ये एम ए मीटर है बैटरी का जो कनेक्शन है वो सिक्स वोल्ट का हमें दे रखा है अब हमें फाइंड द इक्वेलेंट रजिस्टेंस सो डैट वी कैन रिप्लेस ऑल दीज रजिस्टर्स विथ ओनली वन रजिस्टर्स सो हमें यहाँ पे इन चारों रजिस्टर्स को हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगाना है तो हम इन चारों रजिस्टर्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इन चारों के बराबर एक रजिस्टर लगाया जा सके जैसे बहुत सारे पाए हमें घर में से हटा के चार पाए लगाने हैं कॉर्नर्स पे तो उन चार पायों पे उन पूरे घर का वेट आ जाना चाहिए तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी है इन चार रजिस्टर्स को हमें हटा के सिंगल रजिस्टर लगाना है तो वो कितने ओम का लगाया जाए तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं हम पहले लिख देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास मिली हुई हैं जैसे V इक्वल टू सिक्स वोट आर वन फो फोर ओम आर टू जीरो पॉइंट फाइव ओम आर थ्री सिक्स पॉइंट फाइव ओम आर फोर थ्री पॉइंट फाइव ओम अब इस ये फॉर्मूला हमने पिछले स्लाइड में डिराइव किया था और कैलकुलेट किया था कि कैसे ये आर एस जो होता है आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर के बराबर होता है अब हम सिंपली इसको लिख देते हैं और फाइनली जब हम ऐड करते हैं तो ये फोरटीन पॉइंट फाइव ओम के बराबर आ जाता है यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो 14.5 ओम है ये 4 ओम से भी बड़ा है 0.5 ओम से भी बड़ा है 6.5 ओम से भी बड़ा है और 3.5 ओम से भी बड़ा है